गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7 डेज के 7 डिटॉक्स वाटर फॉर फ्लैट बेली। मैंने रिसेंटली ट्रैवल किया था और उसकी वजह से मेरे स्टमक पे, मेरे बेली एरिया पे बहुत हैवी स्वेलिंग आया था, जिसको रिड्यूस करने के लिए मैंने बहुत टाइप्स ऑफ डाइट्स भी ट्राई किया था, बट कुछ भी हेल्प नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद जाके मैंने 7 डेज के लिए 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटॉक्स वाटर अपनी बॉडी पे डाले हैं और उसकी हेल्प से मुझे मिला है फ्लैट बेली। सो ये जो फ्लैट बेली है, इसके लिए मैंने 7 टाइप्स ऑफ डिटॉक्स वाटर बनाए थे, 7 दिन के डिफरेंट डिटॉक्स वाटर। उसकी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। पॉइंट इसके ये जो डिटॉक्स वाटर है, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और किस तरीके से ये आपको हेल्प करेगा आपके बेली को फ्लैट करने के लिए। सबसे पहली चीज़, जब आपके स्टमक पे स्वेलिंग आती है, बेली एरिया पे स्वेलिंग आती है, उसके कारण क्या क्या होते हैं? ट्रैवल, गलत टाइम पे गलत खाना खाना, नींद पूरी ना करना, बॉडी को एग्जॉस्ट करना और 4 घंटे की नींद पे सर्वाइव करना, और या फिर बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करके अपनी बॉडी को बिल्कुल एग्जॉस्ट कर लेना। नेक्स्ट, आपके इंटेस्टाइन में स्वेलिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, वाटर रिटेंशन होना। अनदर पार्ट इज ओवरथिंकिंग एंड स्ट्रेस की वजह से भी जो बेली है वो स्वेल कर जाता है, स्वेलिंग आती जाती है। उससे फाइट कैसे किया जा सकता है? नंबर 1, अगर आपको फ्लैट बेली चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई वेडिंग अटेंड करना है, कोई फंक्शन अटेंड करना है, या फिर आपका कोई बहुत बड़ा इवेंट है जिस पर आपको बिल्कुल फ्लैट बेली चाहिए, उसके कुछ टिप्स हैं डिटॉक्स वाटर के अलावा। नंबर 1, 3 बजे के बाद आप सॉल्ट का इंटेक हटा दो अगर आपको बिल्कुल फ्लैट बेली चाहिए। नंबर 2, आपका जो मील्स का टाइमिंग है वो एकदम फिक्स कर दो 1 हफ्ते के लिए, कि बिल्कुल फिक्स कर दो कि 2 मिनट ऊपर नहीं, 2 मिनट नीचे नहीं। उससे आपकी बॉडी को बिल्कुल पता लगता है कि इस टाइम पे मुझे खाना मिलना है, इस टाइम पे मुझे डाइजेशन जो है वो स्टार्ट करना है। आपकी बॉडी को पूरे इंडिकेशन मिलते हैं। नेक्स्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, 8 घंटे की नींद। आप अपना ट्रैवल बिल्कुल बंद कर दीजिए और डिटॉक्स वाटर को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। पानी अच्छे से पियेंगे जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश ऑफ होंगे और आपके जो बेली है वो विदिन 7 डेज बिल्कुल फ्लैट। नाउ बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं और हम लोग फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं, अपनी बॉडी को रेडी कर रहे हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्दी रहने के लिए भी हमारे को डिटॉक्स वाटर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा बहुत सारे मेरे लोगों, मेरे साथ जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनको भी लगता है। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ 7 डिटॉक्स वाटर, बट मेक श्योर इन वाटर का टाइमिंग्स मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। नंबर 1, ये डिटॉक्स वाटर कब पीना है, कितने बजे बनाना है, कितने देर के लिए सोक करना, कितने बजे इसको खत्म करना है और छान के पीना है कि नहीं पीना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पिछले 5 साल से सुनती आ रही हूँ। सबसे पहली चीज, ये डिटॉक्स वाटर कब बनाना है? सुबह जब आप अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हो, 9 बजे आप ये डिटॉक्स वाटर बनाओ। बनाने के बाद आप इसको 12 बजे तक सोक करो, अप टू यू। अगर आप डिटॉक्स वाटर के अंदर के सामान को च्यू करके अंदर ले सकते हो देन वेरी गुड, अदरवाइज आपको अगर प्यूकिश सा फील होता है आप उसको स्ट्रेन करेंगे और उसके बाद आप उसको पीना चालू करेंगे और वो फिनिश करेंगे आप 4 बजे। मेक श्योर जिस दिन आपका डिटॉक्स वाटर जा रहा है बॉडी में, उस दिन आपका नॉर्मल वाटर का इंटेक होना चाहिए 2.5 से 3 लीटर, विच मीन्स ऑलमोस्ट 4 लीटर वाटर जाएगा। 1 लीटर हमारा जाएगा डिटॉक्स वाटर, 2.5 से 3 लीटर पानी जाएगा नॉर्मल। ये जो पानी है ये ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए, ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का पानी जाएगा। नेक्स्ट, सारे डिटॉक्स वाटर सेम चीज़ पे रहेंगे। जिन जिन लोगों का नाइट शिफ्ट है वो किस तरीके से इसको बनाएंगे, मेक श्योर आप अपने ब्रेकफास्ट के बाद इसे बनाएं, चाहे आप 4 बजे उठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 5 बजे कर रहे हैं, उसको सेम सोक करेंगे हम 3 से 4 घंटे तक का, स्ट्रेन करके आप उसको पीना चालू करेंगे, बट रात के 12 बजे से पहले आप इसको पी लेंगे। ये है नाइट शिफ्ट वालों के लिए गाइडलाइंस। नेक्स्ट, ये जो डिटॉक्स वाटर है कौन कौन ले सकता है? सब ले सकते हैं, सब के सब ये डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं। फिशर पाइल्स वाले लोग इसको ले सकते हैं, जिन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो ले सकते हैं, PCOD वाले लोग ले सकते हैं, जिन लोगों को डेफिशिएंसीज हैं आयरन, विटामिन D3, B12, जिनका यूरिक एसिड हाई है वो भी ले सकते हैं, जिनका फैटी लिवर है वो भी ले सकते हैं, या फिर जिन जिन लोगों को मेजर कॉन्स्टिपेशन और स्वेलिंग का प्रॉब्लम है, जिनके बॉडी से वाटर फ्लश ऑफ नहीं होता, जिनके बॉडी में वाटर होल्ड होता है, वो लोग भी ये इसको ले सकते हैं। अब ये वाटर बनाना कैसे है, चलते हैं किचन। ओके, सो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं पुदीना एंड पाइनएप्पल्स का डिटॉक्स वाटर। उसके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए 2 स्लाइसेस ऑफ पाइनएप्पल्स। इसको हम बहुत ही अच्छे से बारीक, एकदम बारीक बारीक चॉप करेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक। ओके जी, सो अब यहाँ पे है मेरे पास वाटर, इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे 2 स्लाइसेस ऑफ पाइनएप्पल्स। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है पुदीना, पुदीने के पत्ते, ये मैं डालूंगी कम से कम 10 से 12। और उसके बाद इसमें मैं डालूंगी और वाटर, ये टोटल 1 लीटर पानी है मेरे पास।
सो अब मैं इसे बना कर रख दूंगी। ओके जी, सो इसको अब हम बना के रखेंगे 3 घंटे तक इसको रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे पीना चालू करेंगे। अगर इसके पाइनएप्पल के स्लाइसेस आपके मुंह में जा रहे हैं या पुदीना के पत्ते मुंह में जा रहे हैं, आप च्यू करके उसको अपने अंदर ले सकते हो, नहीं तो आप उसको थ्रो भी कर सकते हो। अगर जिन जिन लोगों से ऐसे पानी नहीं पिया जाता वो इसको स्ट्रेन करके भी ले सकते हैं। ओके, सो सेकेंड डिटॉक्स वाटर जो है वो जिंजर पुदीना एंड सिनेमन स्टिक का डिटॉक्स वाटर है। यहाँ पे है 2 चम्मच जितनी ग्रेटेड कद्दूकस की हुई जिंजर। नेक्स्ट इसके अंदर डाल रहे हैं हम 1 सिनेमन स्टिक, हाफ बेसिकली। नेक्स्ट यहाँ पे 10 से 15 पुदीने के पत्ते। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी और पानी, 1 लीटर जितना पानी हमारा। खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, 3 घंटे के लिए स्टोर करेंगे और इसको फिनिश करेंगे हम 4 से 5 बजे तक। छान के पीना, आप छान के भी पी सकते हैं, नहीं तो एज इट इज़ भी आप इसको ले सकते हैं। मेक श्योर आप सिनेमन की स्टिक इसमें से निकाल लेंगे। नेक्स्ट डिटॉक्स वाटर हमको चाहिए एप्पल, चिया सीड एंड पुदीना के पत्ते। सो सिंपल इज, एप्पल हम हाफ लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे। हाफ एप्पल चाहिए हमें विद स्किन। ओके, सो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे चिया सीड्स 1 चम्मच जितना। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है एप्पल, हाफ एप्पल। ओके, नेक्स्ट पुदीना के पत्ते। इसको अब हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे, 1 लीटर जितना, यस। और अब हम इसे स्टोर करेंगे। और सेम चीज़ आप बिना छाने इसको लेंगे तो ये बेस्ट है, एंड दिस इज़ बेस्ट फॉर कॉन्स्टिपेशन। ओके जी, सो नेक्स्ट डिटॉक्स वाटर हमें चाहिए मौसम्बी, संतरा, माल्टा, जो भी उस समय मार्केट में मिल रहा हो वो। सो यहाँ पे मेरे पास मौसम्बी है, सीजन में है, और जितने भी इसके सीड्स हैं हम वो निकाल लेंगे, नहीं तो वो बाद में मुँह में आते हैं और टेस्ट बहुत ख़राब देते हैं। और हम इसको विद पील यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये जो हमारी मौसम्बी है कट की हुई, ये हम पानी में डालेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से पुदीना के पत्ते। इस जग को हम फिल करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, जस्ट पिंच। इसको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। करेक्ट, इसको स्टोर करेंगे हम 3 से 4 घंटे के लिए। दिस वाटर को स्ट्रेन करके हम इसे पियेंगे बिल्कुल छान के, और इसको ख़त्म कर देंगे 5 बजे तक। ये स्किन के लिए, आपके बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है, स्टमक अपसेट है, उसके लिए दिस वाटर इज़ द बेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट अब हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक का डिटॉक्स वाटर। 2 गार्लिक की कलियाँ बिल्कुल छोटी छोटी, इसको हम खूब अच्छे से मैश कर देंगे। जिन जिन की बॉडी में पानी होल्ड होता है, वाटर रिटेंशन, जिन जिन लोगों का बॉडी में स्वेलिंग खूब रहता है ट्रैवलिंग की वजह से, सो ये जो वाटर है ये वर्क करेगा मिरेकल की तरह। सो यहाँ पे ये रहा मेरा पानी, इसके अंदर मैं डाल दूँगी मेरी लहसुन की कलियाँ। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे पुदीने के पत्ते, इसको फिल कर देंगे हम। ओके, ये है 1 लीटर पानी, इसको हम स्ट्रेन करके छान कर पियेंगे। अगर आप गार्लिक को अंदर ले सकते हो तो प्लीज़ लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको स्ट्रेन करके पीना। जिस दिन आप गार्लिक का डिटॉक्स वाटर लेंगे, मेक श्योर आपके पास थोड़े से फेनल सीड्स हों, सौंफ, जिसको आप च्यू करते रहें, अदरवाइज़ आपके मुंह का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। सो यस, ये जो वाटर है आपका एक दिन में ईजिली 500 ग्राम से लेके 1 किलो तक निकाल देगा बॉडी से, वो निकलेगा वाटर बॉडी से जो एक्सेस वाटर स्टोर हुआ हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट डिटॉक्स वाटर हम बना रहे हैं लेमन एंड मिंट डिटॉक्स वाटर। यहाँ पे मैं लेमन को बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर दूंगी, मेक श्योर आप इसके सीड्स रिमूव कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी यहाँ पे पुदीना, वाटर,
इसको हम स्टोर करेंगे अगेन 3 से 4 घंटे के लिए और इसको फिनिश, इसको स्ट्रेन करेंगे और इसको फिनिश करेंगे 5 बजे तक या 4 बजे तक, अप टू यू. ओके, नेक्स्ट डिटॉक्स वाटर हम बनाने जा रहे हैं लेमन ग्रास टी का डिटॉक्स वाटर. और लेमन ग्रास टी के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है. यहाँ पे मैंने लिया है 1 गिलास गर्म पानी. अब इसके अंदर मेरे पास यहाँ लेमन ग्रास टी है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी 2 चम्मच जितना लेमन ग्रास. आपके पास अगर लेमन ग्रास का प्लांट है तो वो बहुत ही बेस्ट है, उसकी एक पूरी स्टिक आप ऐड कर दीजिए. इसको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे. इसको हम 5 मिनट के लिए इसी तरीके से रखेंगे. ओके, सो यहाँ पे लिया हमने 1/2 लीटर वाटर. इसके अंदर मैं यहाँ पे लेमन ग्रास डाल दूँगी पानी, जो हमारा पूरा सोख हो चुका है, बन चुका है लेमन ग्रास टी. इसके अंदर मैं डाल दूँगी यहाँ पर मिंट लीव्स 10 से 15 और इसको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे. और अब इस वाटर को हम सोक करेंगे 3 घंटे तक. इस पानी को हम रखेंगे 3 घंटे तक और उसके बाद इसको स्ट्रेन करके छान के हम इसे पियेंगे. ये वाटर बहुत ही इफ़ेक्टिव है फ्लैट बेली के लिए, टमी बिल्कुल फ्लैट करने के लिए. अगर आपको किसी फंक्शन इवेंट्स अटेंड करने हैं, 3 से 4 दिन अगर आप इसको रेगुलर ले पाओ तब भी ठीक है. ये पानी जो है हम मैक्सिमम इसको ख़त्म करेंगे 4 से 5 बजे तक. सो यस, वेलकम बैक जी. सो ये जो वाटर है इसको आप यूज़ करेंगे, 7 डेज कंटिन्यू लीजिए. नेक्स्ट वीक का गैप दीजिए, 1-2 वीक का गैप देके फिर दोबारा इसको चालू कीजिए. या इन डिटॉक्स वाटर में से कोई भी एक वाटर आप वीकली भी ले सकते हो, अप टू यू. आपको किसका कौन सा टेस्ट किस तरीके से डेवलप होता है. सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस. सो आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. सो टेक केयर जी, बाय बाय.